हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग का एक और मैच खेला जाने वाला है फ्रांस वर्सेस चिली के बीच 1:30 पर रात को। और बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं अगर एक आधी टीम ओपन देनी हुई तो, क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस मैच नॉर्वे को ओपन दिया था। लेट्स सी, अगला अगर कोई मैच ओपन दूंगा तो मैं आपको शेड्यूल में पहले ही बता दूंगा। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल। और इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, जाओ फटाफट क्लिक करो और जुड़ो। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि एक तरफ फ्रांस, जो कि इस मतलब वर्ल्ड कप जो हुआ था लास्ट 2022 के लास्ट मंथ में, एक फर्स्ट रनर अप टीम थी। मतलब वो जीतने लगी थी अर्जेंटीना से, लेकिन लास्ट में पेनल्टीज के कारण हार गई। मतलब ये एक वर्ल्ड चैंपियन टीम होती अगर जीत जाती, बट ये फर्स्ट रनर अप थी। लेकिन फ्रांस के आगे कौन भिड़ रही है? चिली, जिसका वर्ल्ड कप में नामो निशान नहीं था। तो मतलब अब ये है कि एक वर्ल्ड चैंप टीम चिली जैसी टीम से भिड़ेगी। इंटरनेशनल फ्रेंडली में भी अगर आप इनकी रैंकिंग देखो तो ये दूसरे नंबर पर है, फ्रांस फर्स्ट पे अर्जेंटीना है, और ये चिली है 42वें नंबर पर, 42। बट मैं कहता हूँ 42 भी उनके लिए ज़्यादा है। मैंने सोचा नहीं था कि चिली की रैंकिंग 42 होगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। मैं तो फ्रांस के साथ हूँ, क्लियरली फ्रांस के साथ हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाई स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन में किलियन एम्बापे जैसा ग्रेट प्लेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बंदा बहुत जेन्युइन है। अभी तो आप ये लगा लो, ये यंगस्टर है, जब ये 35-36 साल का हो चुका होगा, आज से 10-12 साल बाद, 10-13 साल बाद जब ये हो चुका होगा, तो किलियन एम्बापे जो इस वक्त रोनाल्डो मेसी जिस नाम से जाने जाते हैं ना, लीजेंड गॉट, ये बंदा कहलाएगा। क्योंकि इसमें वो चीज़ है, ये इंटरनेशनल टीम में भी बहुत अच्छा है फ्रांस की तरफ से, ठीक है, आपने देखा। और इस बंदे का डोमेस्टिक लेवल पे भी रिकॉर्ड बहुत ऊपर है। जिस दिन ये नहीं खेलता पेरिस सेंट जर्मन में, उस दिन पेरिस सेंट जर्मन हारती है, जिस दिन खेलता है उस दिन जीतती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं इसको लूँगा। उसके बाद अगला मेरा गिरियोड है। अगर गिरियोड खेलेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं खेलेगा तो फिर थुरम को ये लोग खिलाएंगे, फिर मैं थुरम के साथ तो नहीं जाने वाला। बिल्कुल फ्लॉपी प्लेयर है, छोटी टीम्स के आगे भी नहीं चलता। और ऑपोजिशन टीम की बात करें, ए सैंचेज एक्सपीरियंस अच्छा है, और बी ब्रैरेटन भी अब तो अच्छा कर रहा है, तो मैं तो ब्रैरेटन की राय दूंगा। सैंचेज, यार सैंचेज बंदा डोमेस्टिक लेवल के भी लिए ठीक नहीं है। मैंने ना सैंचेज को, मेरे को बढ़िया तो लगता था, लेकिन क्या है कि जितनी बार लिए लाइक एक आधी असिस्ट करके बाहर आ जाना, तो मैं क्या करूँगा 20 पॉइंट का भाई। वी वॉन्ट गोल्स। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, अगर ग्रेसमैन खेलेगा आज का मैच तो बढ़िया रहेगा, प्रीवियस मैच में तो था नहीं। तो आप पिछले मैच को नज़र मध्य रखते हुए मैं इस बंदे को नहीं ले रहा अभी, क्योंकि अभी लाइनअप के बाद, और ऑरेलियन ने विदाउट गोल 41 पॉइंट दिए, जो कि पता था सबको देगा। रैबियोट को मैंने लिया नहीं था, आर कोलोमानी को मैंने लिया था, सॉरी इसको भी नहीं लिया था, ये खेला नहीं था। कामाविंगा पता नहीं, मतलब बेकार सी स्क्वाड भेज दी इन्होंने, क्या कर रहे हैं, क्या है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ग्रिजमैन को भेजेंगे नहीं, रैबिड और ऑर्लियन तो मजबूरी है भाई, बहुत सरदर्द है ये तो चक्कर क्या, डेम्बल को हम लेंगे नहीं। तो आप ऐसा करो, आप अभी ना आर कोलो मुआनी को सेव करो, और जिन लोग को पॉइंट चाहिए, जिनको लगता है कि चिली गोल कर सकती है, वो लोग ऑर्लियन को लेंगे। मुझे नहीं लगता कर सकती है, तो मैं नहीं लूँगा। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो न्यूनेस को लेंगे, न्यूनेस के बाद विक्टर डेविला, बहुत मेन प्लेयर है, पेनल्टी टेकर भी है टीम का। एंड बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, थियो हर्नांडिस, थियो के बाद जूल्स के बाद अगर एल हर्नांडिस खेलता दिखता है तो बढ़िया है, आज भी मैं चाहता हूँ खेले। एंड यू पेम कैनो प्रीवियस मैच में अच्छा करके गया था, हालांकि फ्रांस टीम जर्मनी से 2-0 से हार गई थी, और हमने जर्मनी को फेवर किया हुआ था, तो हम तो शुक्र है भगवान की कृपा से बच गए थे उस मैच में, नहीं तो घुस जाना था। एंड बात करें गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर मैं भी, मेरे को पता है ब्रावो को खिला नहीं रहे, पिछले मैच में ब्रियन कॉर्टिस को भेज दिया, तो ब्रियन कॉर्टिस को तो दिक्कत की घड़ी बन जाएगा आज। क्योंकि क्या है ना, फ्रांस के आगे इनको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, और इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ब्रावो के पास है, तो मैं चाहता हूँ ब्रावो खेले, अगर ब्रावो खेलेगा तो बेटर है। एंड बात करें कैप्टन की, तो मेरा कैप्टन है किलियन एम्बापे, वाइस कैप्टन अभी आप ऐसा कीजिए गिरियोड को रखिए, हो सकता है इन दोनों में से कोई एक ही खेले, जो खेलेगा हम उसे कैप्टन रख देंगे, और वाइस कैप्टन लास्ट में बदल लेंगे। सो डोंट वरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।